हेलो दोस्तों, मैं हूं नीलेश कुमार बंसारी, आपका अपना रीजनिंग टीचर। मैं आपका स्वागत करता हूं विनय अकेडमी बिलासपुर में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रैंकिंग टाइप वन और उसके कुछ क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। लेकिन आज हम कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि प्रीवियस क्लास में भी हमने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो आज हम जो है उन्हीं क्वेश्चन की जो थोड़े कॉम्प्लेक्स रूप है उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का नया सेशन। ठीक है दोस्तों, ओके। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि डिस्प्ले पे भी नीचे पे शो हो रहा होगा। तो देखिए, आज के हमारे पहले क्वेश्चन में क्या बोला, बच्चों की एक पंक्ति है, ठीक है। इस पंक्ति में नीता का जो क्रम है बाएं सिरे से 15वां है, ठीक है। नीता का जो क्रम है, ठीक है, बाएं सिरे मतलब हमारे लेफ्ट साइड से उसका जो क्रम है क्या है, 15वां है, ठीक है। 15th क्रम है किसका, नीता का, नीता मतलब एन, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद दाईं ओर से चौथा स्थान, और उसके बाद क्या लिखा है, यदि वह दाईं ओर चौथे स्थान सरक जाती है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड से है ना, लेफ्ट साइड से उसका क्या है 15वें नंबर पर है, और वो लेफ्ट साइड से अब क्या हो रहा है कि जो 15वें नंबर पर है और चार स्थान सरक जाती है, मतलब 1 2 3 4, चार सरकने के बाद, ठीक है, चार सरकने के बाद, ठीक है, तो उसका जो चौथा स्थान होता है, ठीक है, मतलब ये वाला जो है, अब यहाँ पर से एक बार सर की, दो बार सर की, तीन बार सर की, चौथा, तो ठीक है। अब ये वाला जो प्लेस हो रहा है दोस्तों, वो हमारे राइट साइड से, ठीक है, राइट साइड से कौन सा रैंक बोल रहा है, राइट साइड से वो 8वें क्रम पे है बोलता है, ठीक है। राइट साइड से ये क्या हो जा रहा है, 8th पोजीशन पे आ जाती है। लेकिन देखिए, अब हमको क्या बताना है, टोटल कितने स्टूडेंट थे वो बताना है। तो उसे हम क्या करेंगे, देखिए जब वो यहाँ पास थी तब क्या था, 15वां, लेकिन वो कितना सर की, 4 सर की, तो देखिए 15 के बाद यहाँ पे 16, 17, 18 और यहाँ पे हो जाएगा 19, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट से देखने पे यहाँ पे 19th हो रहा है, राइट से देखने पे यहाँ पे 8th हो रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम 19 प्लस 8 को ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक ही रैंक को दो बार रिप्रेजेंट हो रहा है, दो बार रिप्रेजेंट होने की वजह से हम क्या करेंगे यहाँ पे -1 भी कर देंगे, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा। अब देखिए 19 -1 हो जाएगा 18, 18 18 में 8 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 26, ठीक है। अब 26 क्या है दोस्तों, अब यहाँ पे जो 26 है वो हमारा 26 क्या है, हमारा आंसर है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमें क्वेश्चन पूछा था कि टोटल कितने बच्चे हैं, तो देखिए टोटल 26 बच्चे हैं, ठीक है, इस लाइन में, क्योंकि यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक का और फिर यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक का, ठीक है। तो हो गया, कितने बच्चे हैं इस लाइन में, 26 बच्चे हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इस तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो चलिए, तो दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि कुछ इस तरीके से है, आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, ठीक है, साइड में मैं एक बार रीड कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम सॉल्व करना चालू करेंगे, ठीक है। तो लड़कों की एक पंक्ति में संदेश दाईं ओर से 8वां और चंकी बाईं ओर से 12वां है, जब संदेश और चंकी आपस में स्थान अपनी स्थिति को अदल बदल करते हैं, तो चंकी बाएं ओर से 21वां हो जाती है, तो दाईं ओर से संदेश का स्थान क्या होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब आपको दोबारा पढ़ना है तो, और मैं चलिए आपको उसको सॉल्व करना चालू करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, जो दो लोगों का जिक्र किया, एक है चंकी और दूसरा है संदेश, तो ठीक है, संदेश क्या है जो हमारा दाईं ओर है, ठीक है, राइट साइड से क्या है, राइट साइड से जो संदेश है, ठीक है, संदेश को क्या करते हैं हम एस ए लिख देते हैं, ठीक है। तो संदेश जो है उसका रैंक क्या है दाईं ओर से, उसका रैंक जो है वो है 8th, ठीक है दोस्तों, ओके। अब उसके बाद क्या बोला है, और जो चंकी है, ठीक है, चंकी का क्या है, अब चंकी का क्या बोला, चंकी का बाईं ओर से, ठीक है, मतलब हमारे लेफ्ट साइड से जो था, ठीक है, एल एस और यहाँ पे आर एस कर देते हैं साइड की वजह से, ठीक है। अब लेफ्ट साइड से क्या बोल रहा है कि हमारा जो चंकी का क्या था, चंकी का रैंक क्या था, 12वां था, ठीक है, चंकी को क्या लिखते हैं, सी एच लिख देते हैं, ठीक है, और क्या था रैंक, 12th था, ठीक। अब क्या बोल रहा है, अब उसने क्या किया, अब उसने इन दोनों के प्लेस को आपस में बदल दिया, ठीक है, इन दोनों के प्लेस को आपस में एक्सचेंज कर दिया, तो अब चंकी के स्थान पर संदेश आ गया एस ए, और संदेश के स्थान पर चंकी चले गई, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, अब उसके बाद क्वेश्चन में ये बोला है, लास्ट में ये पूछा था, ये बता दिया था कि बाईं ओर से, ठीक है, चंकी जो है, ठीक है, चंकी हमारा बाईं ओर से मतलब लेफ्ट साइड से, ठीक है, यहाँ पर से, ठीक है, यहाँ से ऐसे होते हुए चंकी का क्या है 21st
प्लेस है, ठीक है, ये बता दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो दाईं ओर से संदेश का स्थान क्या होगा, ठीक है। और हमें क्या बताना है, हमें यह बताना है कि दाईं ओर से, ठीक है, दाईं ओर से मूव करते हुए ये जो हमारा संदेश का जो स्थान है वह क्या होगा, यह बताना है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसे ड्रॉ करने के बाद आपको क्वेश्चन तो बहुत हद तक समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। पहले हम क्या करेंगे, पहले टोटल निकाल देंगे, ठीक है, टोटल निकाल देंगे। फिर क्या होगा, टोटल निकालने के बाद अब देखते हैं टोटल निकालेंगे कैसे निकालेंगे। देखिए इसी प्लेस के दो रैंक मिल गए, 21 और 8, अब 21 और 8 पर ऐड कर देंगे 21 प्लस 8, ठीक है। और लास्ट टर्म वाइन माइनस करेंगे क्योंकि एक ही प्लेस दो बार काउंट हो रहा है, ठीक है। ऐसा करने पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा हमें 28, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 28 क्या था, 28 जो था दोस्तों, 28 क्या था, हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। लेकिन अब हमें क्या बताना है, अब हमें बताना है कि राइट साइड से देखने पर ये जो यहाँ पे संगीत का जो प्लेस, सॉरी संदेश का जो प्लेस है, ठीक है, संदेश का जो प्लेस है वो कौन सा रैंक पे आ रहा है ये बताना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हमको यहाँ पर लेफ्ट से देखने पर पता है ये कौन सा रैंक है, 12वां है। लेकिन राइट से आने पर वह वो पता करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसी 28 में 12 को माइनस कर देंगे, या फिर हम 12 को माइनस ना, और 12 को माइनस करने के साथ साथ क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्लस 1 करेंगे। प्लस 1 क्यों, क्योंकि यदि हम 12 को माइनस करेंगे तो हमें वो कुछ यहाँ पर का प्लेस दे देगा, लेकिन हमको क्या यहाँ पर का बताना है, तो प्लस 1 करना पड़ेगा। तो देखिए 28 में से प्लस 12 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 और 226 और प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा 17, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या मिल गया, 17। लेकिन यहाँ पे 17 क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो 17th है वो संगीत का प्लेस है, क्या है, ये जो 17th है, ठीक है, वह संगीत का प्लेस है। कहाँ पर से है, लेफ्ट साइड से, सॉरी राइट साइड से देखने पर 17th उसका प्लेस है, और यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 17, और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अब चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ओके। तो चलिए तो देखिए दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अब हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, अभी आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा साइड पे, मैं आपको एक बार रीड कर देता हूँ। लड़कियों की एक कतार में जिया बाएं से 7वीं और शताब्दी दाएं से 9वें स्थान पर है, जब दोनों आपस में स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो जिया बाएं से 11वें स्थान पर चली आती है, तो कतार में कुल कितनी लड़कियां थी। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या पूछा है, कुल कितनी लड़कियां थी, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या पूछा था, रैंक पूछा था बाएं ओर से देखने पर, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे जो पूछ रहा है वो अलग अलग है, ठीक है, बनाने का मेथड एक ही रहेगा। तो चलिए अब हम इसे बनाना चालू करते हैं। यहाँ पर उसने क्या बोला है, ठीक है, यहाँ पे अब उसने बता दिया है, यहाँ पे उसने बताया है कि एक कतार में, ठीक है, जिया जो है वह बाएं से, ठीक है, जिया को हम लिखते हैं जे जो है वो बाएं से कौन से में है, 7th प्लेस पे है, ठीक है, और शताब्दी दाएं से, ठीक है, मतलब एस जो है वह दाएं से कौन से प्लेस पे है, दाएं से बोलने पर वो क्या बोल रहा है कि वो जो है 9th प्लेस पे है, ठीक है, ओके। अब ये हो गया, अब उसके बाद क्या बोला, जब दोनों आपस में स्थान बदल देते हैं तो जो जिया जो है वह बाएं से 11वें स्थान पर आ जाती है। अब देखिए दोनों आपस में स्थान बदल दिए, मतलब यहाँ पे जे हो गया और यहाँ पे एस हो गया, ठीक है। अब दोनों आपस में जब स्थान बदल चुके हैं तो अब आपस में स्थान बदलने पर क्या हो जा रहा है, रुको मैं मार्कर कलर चेंज कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए दोनों आपस में स्थान बदल दिए, अब क्या बोल रहा है, जो जिया जो है वह बाएं से 11वें स्थान पर है, ठीक है, मतलब जिया जो है बाएं सिरे से, मतलब यहाँ से यहाँ आने पर ये क्या हो जा रही है, ये जो हो जा रही है वो अपना 11th प्लेस पे आ जा रही है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, दोनों में कितने टोटल स्टूडेंट्स है वो बताना है, ठीक है। तो उसे बताने के लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें एक पॉइंट मिल गया दोनों का, ठीक है, यहाँ पास भी है, पर यहाँ पर अभी हमें एस का वो पता नहीं है तो हम उसको नहीं करेंगे, और हमको क्या बताना है यहाँ पे सिर्फ टोटल, तो टोटल बताने के लिए क्या करेंगे, 9 और 11 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए 9 प्लस 11, ठीक है, 9 कहाँ से आ गया, यहाँ से, 11 कहाँ से आ गया, यहाँ से। अब इन दोनों का ऐड कर रहे हैं, लेकिन एक ही रैंक दो बार रिपीट हो रही करके एक बार एक माइनस भी कर देंगे, ठीक है। अब वहाँ पे एक बार एक माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 में से माइनस 1 कर देंगे तो 19, ठीक है। अब यहाँ पे 19 क्या हो गया दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे जो 19 है वह हो गया हमारा आंसर, ठीक है, आंसर।
लाइन में कितनी लड़कियां थी, लाइन में 29 लड़कियां, सॉरी 29 बोल दो, 19 लड़कियां थी। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन हो गया सॉल्व हुआ। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है दोस्तों। ओके, तो देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन आपको यहाँ पे साइड पे दिख रहा होगा, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मोहन का स्थान ऊपर से 10वां, और मोहन और रोहन के बीच 5 विद्यार्थी हैं, और रोहन और अंतिम विद्यार्थी के बीच कितने हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर उसने देखिए बता दिया है कि क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स थे। ठीक है, और टोटल जो था दोस्तों, टोटल हमारा कितना था, 40। ठीक है, ठीक है बच्चों। ओके, अब वो क्वेश्चन नीचे की ओर दिख रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है, जो मोहन और मोहन का जो स्थान है, ठीक है, मोहन का स्थान ऊपर से 10वां है। ठीक है, मतलब ऊपर से जब हम नीचे की ओर आएंगे तो जो मोहन का जो रैंक है वो क्या हो जाएगा, 10th रैंक हो जाएगा। ठीक है, अब 10th रैंक हो गया। अब उसके बाद क्या बोला है, मोहन और रोहन के बीच 5 विद्यार्थी हैं। तो ठीक है, मतलब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 इन दोनों के, अब देखिए मोहन और किसके, रोहन के बीच 5 विद्यार्थी होगा, 1, 2, 3, 4, 5। तो फिर ऐसे में फिर रोहन का रैंक क्या हो जाएगा, ऐसे में रोहन का रैंक क्या हो जाएगा, 10 में से 5 जोड़ देंगे। ठीक है, 5 जोड़ने के बाद फिर क्या हो जाएगा, 15। लेकिन 15 का यहाँ पे इसका रैंक बताएगा, उसमें प्लस 1 करेंगे। ठीक है, मतलब 10 प्लस 5, 5 क्यों, क्योंकि बीच में 5 लोग थे, फिर लास्ट में प्लस 1 क्योंकि रोहन का एग्जैक्ट रैंक बताने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका एग्जैक्ट रैंक 16। ठीक है, तो रोहन का 16। अब उसके बाद क्या बोल दिया है, तो रोहन और अंतिम विद्यार्थी के बीच कितने लोग थे। ठीक है, अब देखिए हमें टोटल बताया हुआ था, टोटल क्या बताया हुआ था, देखिए टोटल क्या बताया, 40। और क्या बोला है कि लास्ट वाले जो बच्चा है, ठीक है, लास्ट में जो बैठा बच्चा है और रोहन के बीच कितने लोग हैं। अब लास्ट में देखिए, अब पहले क्या करेंगे हम, पहले हम क्या करेंगे, इन 16 बच्चे को रिमूव कर देंगे। ठीक है, 40 में से किसको रिमूव, कितने को रिमूव करेंगे, 16। ठीक है, अब 14 में से 16 बच्चे को रिमूव कर देंगे, मतलब रोहन तक के बच्चों को। तो देखिए यहाँ पर 16 रिमूव करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा हमें 24। लेकिन ये 24 हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि हमको क्या बताना, कितने बच्चे हैं। अभी यहाँ पर 24 क्या निकला है, यहाँ पे 24 जो है वो पूरा लास्ट में जितने भी बचे हुए थे वह निकला है। इसका मतलब यह है कि जो लास्ट में जो हमारा जो लास्ट का जो पहला नंबर का जो बच्चा था, ठीक है, 40वें नंबर का बच्चा, वो भी काउंट हो चुका है। लेकिन हमको उसको छोड़कर बताना है कि 40वें नंबर और 16वें नंबर के बीच पे कितने लोग बैठे हुए थे। तो ठीक है, उसको बताने के लिए क्या करते हैं हम, 40 माइनस 16, फिर उसके बाद और क्या कर सकते हैं, ये करने के साथ साथ हम लास्ट में एक और माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, माइनस 1 क्यों, क्योंकि अभी 40 में से 16 माइनस हो रहा है, तो मतलब 40 वहाँ पर जो एक बच्चा था वो काउंट हो जा रहा है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर हम सिर्फ 15 करते तो हमें यहाँ पर का रैंक मिलता, लेकिन हमको प्लस 1 करना पड़ा। ठीक है, अब बीच का बताना है, तो जो प्लस 1 जो उसमें ऐड है उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो फिर 24 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 23, और 23 ऐसे में क्या हो जाएगा, 23 हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखिए अब रोहन और अंतिम छात्र के बीच में कितने बच्चे हो गए, रोहन और अंतिम छात्र के बीच में 23 बच्चे हो गए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो चलिए, तो ठीक है दोस्तों, हम अब आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अजय का जो स्थान है कक्षा में, क्या बोला है, देखिए अजय का जो स्थान है कक्षा में ऊपर से 12वां है। ठीक है, अजय का जो स्थान है ऊपर से कक्षा में क्या है, 12th है। ठीक है, किसका, अजय का। अजय को हम क्या लिखते हैं, ए। ठीक है, और क्या फिर क्या बोलता है, फिर प्रसाद का स्थान उसी कक्षा में 18वां है, कहाँ से, नीचे से। ठीक है, प्रसाद को हम लिखते हैं पी, और वो नीचे से क्या है, नीचे से कौन से प्लेस पे है, 18th प्लेस पे है। ठीक है, ये बोल दिया है। और क्या बोला है उसके बाद, और अजय से 8 स्थान पीछे है। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला है, ये जो हमारा अजय है, अजय से कितना स्थान पीछे है, वह अजय से 8 स्थान पीछे है। मतलब यदि अजय हमारा यहाँ पे है तो फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, 8 स्थान पीछे। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारा कौन है, यहाँ पे हमारा जो है प्रसाद है। ठीक है, अब उसने पूछा है कि टोटल कितने छात्र हैं, यह बताना है। तो ठीक है, टोटल छात्र बताने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं टोटल छात्र बताने के लिए, पहले ऊपर से नीचे की ओर आया तो कितना मिल गया हमें, 12। ठीक है, नीचे से कि ऊपर गए तो कितना मिल गया हमें, 18 बच्चे। ठीक है, अब उसके बाद उसने क्या बोला है,
उसने यह बोला है कि जो प्रसाद का जो स्थान है, ठीक है, प्रसाद का जो स्थान है वह अजय से 8 नीचे है। ये नहीं बोला है कि प्रसाद और अजय के बीच में 8 लोग हैं, उसने यह बोला है कि अजय से 8 स्थान नीचे प्रसाद है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि वो जो प्रसाद जो था वो 8वें नंबर पे था, तो हम यहाँ पर 8 ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 7 ऐड करेंगे। कैसे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8वां, तो देखिए 8वां तो ये खुद ही था प्रसाद, ठीक है, तो उसे हम ऐड नहीं करेंगे। तो देखिए 12 और 18 को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 12 18 को ऐड करने पर मिलेगा 30, 30 और प्लस 7 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा हमें 37 और ऐसे में हमारा 37 क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे में हमारा 37 आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आंसर हो गया कंप्लीट, ठीक है। अजय से 8 स्थान नीचे है, ठीक है, तो ऐसे में हमारा आंसर हो गया 37, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। ओके दोस्तों, तो हमारे से इस तरह बने रहने के लिए थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मैं आपका अपना रिंग टीचर नीलेश कुमार पंसारी, विन अकेडमी बिलासपुर। हमारे से इस तरह बने रहिए, मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए क्वेश्चन आंसर और नए नए उससे सॉल्व करने के ट्रिक और कॉन्सेप्ट लाते रहूँगा। और अगले क्लास में हम रैंकिंग के टाइप 2 के क्वेश्चन देखेंगे और उसके कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो हमारे से इस तरह बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।